एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो गए और अपने अपने एम्स को अचीव कर रहे हो गए। तो सीन कुछ ऐसा है, इस टाइम मॉर्निंग का हो रहा है 5:35, मॉर्निंग का 5:35 हो गया और मैं आ गया हूँ हाईवे पे। अब हाईवे पे क्यों आए ये भी मैं आपको बताऊँगा इस ब्लॉग में। और बाकी ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं रहने वाला, ये एक अचीवमेंट टाइप रहने वाला है। तो आई होप कि इसमें आपको आएगा मज़ा। तो क्या चलते हैं ब्लॉग की तरफ, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपको दिखाते हैं ये ब्लॉग किस बात पर होने वाला है। बढ़िया बाइक है ये अपाचे RR 310, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो व्लॉग है पूरा इसी के ऊपर होने वाला है। ये कल ही बाइक ही है, मैं एंड में जो है आपको शोरूम की क्लिप्स भी ऐड करूँगा और बाकी सारी चीज़ें दिखाऊँगा। और प्रांजू भाई का एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी पर्सनली बात होती रही है और हम दोनों ने बातें की है, कॉन्टैक्ट में रहे थे और बाइक के बारे में फ़ीचर्स वगैरह जाने हैं। तो आपको ये व्लॉग पूरा स्टार्ट करते हैं और बाइक के फ़ीचर्स की तरफ ले चलते हैं। चलते हैं हम बाइक के स्पेक्स की तरफ। तो नंबर वन जो इसका स्पेक्स है वो है इसका मीटर कंसोल। मतलब इसको हम लोग सिर्फ मीटर कंसोल नहीं कह सकते हैं, ये पूरा एक डिस्प्ले है, एक एंड्रॉयड मोबाइल का। तो बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें टच नहीं मिलता है। इसका डिस्प्ले देखो इतना प्यारा है, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ और इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। टाइमिंग, मेन्यू, डेट, फ्यूल रेंज एंड यहाँ पर फ्यूल एंड इंजन टेम्परेचर, इसमें चार मोड आपको मिलते हैं। आपको मैं मोड दिखाता हूँ। राइडिंग मोड पर आप क्लिक करते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक। बाकी कई सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ट्रिप डिटेल्स, माय व्हीकल डिटेल, प्रेफरेंस, और आपको सारी चीज़ें, सारी डिस्प्ले जो कि आपको यूज़फुल होती हैं इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। बहुत यूनिक लगता है, बाकी बाइकों के कंपेरिजन यही इस बाइक को बिल्कुल यूनिक बना देता है। बाकी स्मार्ट डिस्प्ले, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके अपना ब्लूटूथ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इस अपाचे की यहाँ पर साइनिंग मिलती है इंजन के ऊपर, रेसर स्पेक्स लिखा होता है यहाँ पर, ब्लैक ग्रिप्स, TVS की मार्किंग मिलती है, TVS रेसिंग, अपाचे RR 310 की मार्किंग यहाँ पे मिलती है। जो आपको मैं इसकी मेन चीज़ दिखाता हूँ, इसकी जो लाइटनिंग है ये है, आपको DRN लाइट मिलती है, LED DRN, ये LED आपको मिलती है, कई LED टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखता है अपाचे के साथ में। बहुत इसको यूनिक बनाती है इस बाइक को, बाकी बाइकों से डिफरेंट बनाती है ये चीज़। बाकी आप इसके जो शॉकर देख सकते हैं वो भी मोनो शॉक हैं। ABS मिलता है आपको फ्रंट एंड बैक में, दोनों में ABS मिलता है विद ड्यूअल डिस्क। ऑब्वियस सी बात है ऐसी बाइकों में मिलता है, बहुत डिफरेंट लुक आता है। बाकी आज हम लोग आए थे थोड़ा फोटो सेशन के लिए, तो फोटो सेशन भी करते हैं। जब अपाचे RR 310 है तो साउंड तो बनता ही है, पक्की बात है। चलो साउंड टेस्टिंग इसकी दिखाते हैं, कैसी साउंड है इसकी। रेडी, मज़ा आ गया भाई। आई होप गाइस कि इसके स्पेक्स और साथ में इसके सिनेमैटिक्स में आपको आया होगा मज़ा। और अगर वीडियो में आया है मज़ा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और फोटो हमने शूट कर लिए हैं, अबाउट इस टाइम हो गया है 7 बजने वाला है। तो अच्छी अच्छी अगर फोटोज़ देखनी है तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, इंस्टाग्राम की आईडी में ज़रूर जाके फॉलो करना। और इसके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसका मॉडिफिकेशन, इसका PPF,
एंड बाकी जो इसका टैंक पैड है, कई सारी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं आपसे इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।